आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज की क्लास में स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश की, द हेयर एंड द टॉर्टॉइज। हेयर किसको कहते हैं? हेयर कहते हैं खरगोश को। देखो ये टॉर्टॉइज है यानी कि टर्टल, कछुआ, और ये है खरगोश यानी कि हेयर। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। वंस अपॉन अ टाइम अ हेयर एंड अ टॉर्टॉइज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में कछुआ और एक खरगोश रहा करता था। ठीक है, द हेयर वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड। जो खरगोश था उसको अपनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा नाज था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागता था। वन डे ही चैलेंज्ड हिज स्लो मूविंग फ्रेंड टॉर्टॉइज फॉर अ रेस। फिर उसने चैलेंज किया अपने दोस्त टर्टल को, कछुए को, रेस के लिए कि तुम मेरे साथ रेस करो। द टॉर्टॉइज एक्सेप्टेड इट। टॉर्टॉइज ने कहा ठीक है चलो करते हैं। ऑल द एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट वर इन्वाइटेड टू जज द रेस। जितने भी फॉरेस्ट के, जंगल के जितने भी एनिमल्स थे सब आ गए वो देखने के लिए रेस को। द रेस बिगन। रेस जो है वो शुरू हो गई। द हेयर रन फास्ट एंड विद इन नो टाइम ही रीच्ड द मिड पॉइंट ऑफ रेस ट्रैक। जो खरगोश था वो बहुत तेज़ी से भागा और उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा, वो रेस के मिड पॉइंट जो था ना, बीच का जो रास्ता था, वहाँ पर पहुँच गया बहुत कम टाइम में। ठीक है, सीइंग द टॉर्टोइज लैगिंग बिहाइंड। उसने देखा कछुआ तो आ ही नहीं रहा है पीछे, वो तो बहुत हल्के चलता है वैसे भी, तो उसको तो आने में टाइम लगेगा। द हेयर बिकेम सेल्फ सेटिस्फाइड। उसको ये इत्मीनान हो गया कि हाँ अब ये रेस तो मैं ही जीतूँगा और जो है कछुआ तो बहुत स्लो है। एंड डिसाइडेड टू टेक अ नैप। नैप मीन्स छोटी सी नींद, नींद को कहते हैं नैप, आँख लगना है ना। उसने सोचा कि चलो पेड़ से लग कर ना थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, इतने में कछुआ आ जाएगा, कछुआ आएगा, इतने में मैं जो है नींद पूरी करके उठकर जल्दी से भाग जाऊँगा आगे। एज द हेयर स्लेप्ट, जैसे ही खरगोश सोया, द टॉर्टोइज ओवरटूक हिम। टॉर्टोइज यानी टर्टल जो कछुआ था उसने उसको पीछे छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गया। एंड रीच द फिनिशिंग पोस्ट। फिनिशिंग पोस्ट यानी फिनिश लाइन तक पहले पहुंच गया वो कछुआ और जीत गया। द पुअर हेयर लॉस्ट आफ्टर ऑल एंड वेंट अवे फीलिंग फुलिश। फिर जो है खरगोश ने देखा तो वो उदास हो गया और वो वहाँ से चला गया। ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब जो स्लो है और अच्छे से चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, वो रेस को जीतेगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में हमें यही अप्लाई होता है हमारी लाइफ के अंदर, कि अगर हम उन चीज़ों को अच्छे से करेंगे लेकिन स्लोली स्लोली करेंगे तो हम अच्छे से सीखते हुए जो है आगे बढ़ जाएंगे और हम जीत जाएंगे। जैसे कि करियर ग्रोथ के लिए या फिर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें धीरे धीरे मेहनत, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता ना कि एकदम से हम जीत जाएं, एकदम से मार्क्स हमारे 100% मार्क्स आने लगे, तो ऐसे एक दिन में दो दिन में नहीं होता, स्लोली स्लोली होता है और कंटिन्यूसली इस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है हमारा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और आज की स्टोरी हमने क्या पढ़ी है? द हेयर एंड द टॉर्टॉइज। कल हम पढ़ेंगे अ ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आदिल सर फाउंडेशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आदिल सर फाउंडेशन।